आएगा जय हनुमान, कल 2024 का जे एडवांस का एग्जाम होने जा रहा है। एडवांस एग्जाम से आखिर एक दिन पहले हम क्या ध्यान रखें, क्या करें, आज इस वीडियो में बहुत प्रिसाइज में सिस्टमेटिकली बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर आपको लेके क्या क्या जाना है। आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड, अपने साथ पानी पीने की ट्रांसपेरेंट बॉटल, और तीसरा कोई भी गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना। ज्यादा जरा अगर बात करूं थोड़ा और समझा देता हूं, तो लिखने वाले जो पेन है वो फ्लो वाले लेके जाइए, ताकि आप उसको फ्लो वाले पेन लेके जाएंगे तो वहां आपके लिए इजी रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड के नीचे अपने सिग्नेचर, पेरेंट के नीचे सिग्नेचर, आप सबको कल बता दिया था, आप सब समझदार हैं, पॉसिबल हो अदरवाइज समझदार है, क्या करना है देख लीजिएगा। अब एग्जाम से एक दिन पहले आखिर क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो प्रॉपर तरीके से बूस्ट रहे। अननेसेसरी के डिस्कशन से आपको एक दिन पहले बचना है। हजारों किलोमीटर दूर जाकर के भी कई लोगों का सेंटर है, कई किलोमीटर दूर जाकर के बच्चों का सेंटर है, बच्चे अभी सारे ट्रेवलिंग में लगे हुए, मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं, कोई ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहा है, कोई बाई कार, बाई रोड, बाई बस ट्रेवलिंग कर रहा है। तो यार ट्रेवलिंग के टाइम पर थोड़ा अपना ध्यान रखने का, खाने पीने की अपना आज का और कल का दो दिन का बहुत ध्यान रखना है, फूड हैबिट का ध्यान रखना है। गर्मी का मौसम है, पानी ज्यादा पीना है, इस चीज का ध्यान रखिए। बॉडी में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ा के रखना है। बायोलॉजिकल क्लॉक दो दिन की सिस्टमेटिकली बना के रख लेना। कल आपका सुबह 8 बजे से बायोलॉजिकल क्लॉक, शाम 5:30 बजे तक का बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सिस्टमेटिकली रहना चाहिए, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज के दिन में भी आपको अननेसेसरी के कोई जंक फूड या फिर कोई ऐसी फूड हैबिट पे आपको नहीं जाना है, या दो दिन कंट्रोल कर लो भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूं यार आखिर क्या हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पढ़ना है, वैसे तो हम मोस्टली बच्चों को ये कहते हैं यार एक दिन पहले थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखो, ज्यादा अच्छा है। आपने इतने साल की मेहनत करी, किसी की 2 साल, किसी की 3 साल की मेहनत है, उस मेहनत पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। डिस्कशन ज्यादा करने की आज किससे जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है या डिस्कशन करने से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, या हम अननेसेसरी के खुद के डाउट में आ रहे हैं, उन चीजों से आपको बचना है। ना फ्रेंड से डिस्कशन करना है, ना कोई रिलेटिव से डिस्कशन रखना है, खुद की रिकॉलिंग कैपेसिटी को आज बढ़ाने की कोशिश करनी है। कोशिश करिए थोड़ा सा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग चीजें होती हैं, ब्रेन को जो स्ट्रांग करने वाली चीजें होती हैं, उनको आपको करने की आज जरूरत है। अननेसेसरी के डिस्कशन से प्लीज बचिएगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, क्योंकि कई बार देखा है बच्चे यार कहते हैं अरे यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तूने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं अभी तक तो क्या होगा। इन चीजों को मत करिए, आपने जो पढ़ा है ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी आपको रिकॉल अगर हो जाए सही तरीके से इतना बहुत होता है। पूरा पेपर जे एडवांस का अनसर्टेन है, इसलिए ये कह पाना यार इतने नंबर पर ये कॉलेज मिल जाएगा, इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा, पहले कोई नहीं बता सकता, बाद में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एग्जामिनेशन टाइम में इस प्लीज ओवर एक्सपेक्टेशन से मत जाइएगा, यार मैं जा रहा हूं, मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन है, मैंने इतना करना था लेकिन नहीं हो पाया, वहां पेपर में आप अननेसेसरी के पैनिक अटैक कर रहे हैं या फिर आप ब्लैंक हो रहे हैं, प्लीज इन चीजों को बचिएगा। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर बात करूं लास्ट में बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ध्यान रखिए, खुद को कूल रखने की कोशिश करिए, क्योंकि खुद को कूल रखने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने बना रखे हैं, प्लीज यार हम सोचे यार कि लास्ट दिन में मैं पेपर वगैरह कर लूंगा, यार थोड़ा सा कोशिश करो, अगर आपकी इच्छा हो तो पेपर वगैरह करो, अदरवाइज बोलूंगा कि यार शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को टिक कर रखा है। बहुत सारे चैप्टर में हमने ग्रीन, ब्लू, येलो कलर के जो जो भी पेन आप यूज करते हो उससे आपने टिक कर रखा है, शॉर्ट नोट्स आपने प्रिसाइज में कहीं ना कहीं बना रखे हैं। ज्यादा कोशिश करिए कि एक बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाए, एक बार जो जो गलतियां जहां जहां पर हो गई थी उन गलतियों का रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे ज्यादा लास्ट दिन में कुछ नहीं करना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने की बात कर लेता हूँ, लास्ट में जाते जाते 7:45 तक भी यार पहुंच तो बहुत बच्चा कह रहा है 7 बजे बुलाया, आप कह रहे 7:45, प्लीज ध्यान रखिए 7 बजे से एंट्री का प्रोसेस चालू होगा। अगर आप 7:30 तक 7:45 तक भी पहुंच रहे तो अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग वाला पेपर 9:00 चालू होगा, 8:25 पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए जाएंगे। प्लीज यार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पेपर की क्लैरिटी आती है, स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है इसका ध्यान आता है, तो 7:45 तक पहुंचने की कोशिश करिए। सेकंड पेपर में मैंने आपको बताया था यार बीच के 1.5 घंटे के गैप में आपको क्या करना है, कोशिश करिए 1:45 तक सेकंड पेपर में पहुंचने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं समझता हूं कि मैंने जो पॉइंट लिखे थे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये एक बात और कह देता हूं यार, फूड हैबिट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि फूड हैबिट से आपको बचना है। ओवर एंग्जायटी आज नहीं करनी है, रिलैक्स रहना यार, हमने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, अब एक दिन पहले तो अपने आप को रिलैक्स और कंफर्टेबल रख लें, ये बहुत जरूरी है। तो पेपर से एक दिन पहले इन सारी चीजों को आप ध्यान रखो और अप्लाई करने की कोशिश करो। एकेडमिक नहीं है, नॉन एकेडमिक है, लेकिन काम की बहुत है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए
गाइस, कल आपका जेई एडवांस का एग्जाम है। यार दिल से सारे उन बच्चों को जिन्होंने इतनी मेहनत करी है ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। हनुमान जी आपके साथ हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। एग्जाम दो, बिंदास दो, रात को लाइव आ जाऊंगा, बता दूंगा पेपर का क्या स्टैंडर्ड था, क्या होने वाला है, आपके कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उम्मीद करते हैं पेपर आने की जो भी रहेगा चांसेस देख लेंगे उसको, लेकिन आपको बताएंगे कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, इसकी टेंशन छोड़ना, सब गाइड कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कमेंट भर दो क्या आप इन बातों से सहमत हो। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।